दोस्तों, इन पांच तरह के लोगों से कभी रास्ता मत पूछना। यह कहानी एक गधे और उल्लू की है। दोस्तों, यह संसार ऐसे मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है कि कब आप चूक जाएं और वो आपके मौके का फायदा उठा लें। आपकी थोड़ी सी भूल उनके लिए किसी अवसर से कम नहीं। ऐसा ही एक बार एक गधे के साथ हुआ। दोस्तों, कहानी बड़ी शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह सुबह होते ही गधे को काम पर ले जाता और शाम को मजबूती से अपने खूंटे से बांध देता। गधा मन ही मन सोचा करता कि कब अवसर मिले और यहाँ से वह भाग जाए, क्योंकि यह चारा सही से देता नहीं है। रूखी सूखी घास खाता हूँ और जो दूसरे जानवर हैं वे हरी हरी घास खाते हैं। दोस्तों, एक दिन उस गधे का यह सपना पूरा हो गया। उस दिन धोबी गधे को बांधना भूल गया था। अब वह गधा जब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे हरी हरी घास मिल गई। वह घास चरते चरते अपने घर से काफी दूर निकल चुका था। वह घास खाते खाते इतना मस्त हो चुका था कि उसे यह भी ज्ञान नहीं रह गया था कि वहां से कोसों दूर वह भयानक जंगल में पहुंच चुका है। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है कि व्यक्ति लोभ और लालच में फंसकर सब कुछ भूल जाता है और वह लोभ में फंसता ही चला जाता है और उसे यह भी पता नहीं होता कि इसका अंत कहाँ होगा और फिर वहां से उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही हाल उस गधे का भी हुआ। वह गधा हरी हरी घास खाने के चक्कर में जंगल में पहुंच चुका था। अब गधे को जब पेट भर चुका था गधे का, वह हरी हरी घास खाके जब मस्त हो गया तो वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन रात हो जाने के कारण गधे को जंगल से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उस गधे ने खूब ढूंढा लेकिन रास्ता नजर नहीं आया। अब गधा बहुत परेशान हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई है जो इस जंगल से निकलने का रास्ता बता दे। लेकिन उसे कोई नहीं मिला जो रास्ता बता दे। गधा जब थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो उसे एक उल्लू मिला। उस उल्लू ने जब गधे को देखा तो आवाज लगाई, अरे भाई क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे? दोस्तों, उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसे रात में दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता। इसीलिए उसने रात्रि में गधे को देखकर आवाज लगाई। उल्लू की आवाज सुनकर गधा उल्लू के पास पहुंचा और कहने लगा, उल्लू भाई, मैं इस जंगल में जब आया था तो दिन था। मैं यहाँ तक आ तो गया लेकिन रात हो जाने के कारण इस जंगल से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उल्लू ने सोचा, बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है, रात भी हो गई है, कुछ अपने लिए भोजन का भी प्रबंध करना है, तो क्यों ना इस मूर्ख को अपने चक्कर में फंसा कर काम निकाल लें। वैसे मुझे इधर उधर दौड़ भाग करना पड़ता लेकिन इसे रास्ता बताने के बहाने इसकी पीठ पर बैठकर अपनी भी पेट पूजा हो जाएगी। यही सोचकर उल्लू ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। गधे ने कहा, बताओ कौन सी शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, किसी तरह तुम मेरी मदद करके इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। उल्लू ने कहा कि मैं जैसे जैसे कहूँ तुम्हें उसी तरह चलना है, मेरी हर बात मानोगे तभी मैं रास्ता बताऊंगा। गधे ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, अब वह उल्लू गधे की पीठ पर बैठ गया और गधे को रास्ता बताने लगा। रास्ते में जहाँ कहीं भी उसे अपना शिकार मिलता वह उसे पकड़ लेता और गधे की पीठ पर बैठ करके आराम से खाता। इसी तरह से वह उल्लू गधे को घुमाता रहा। जब घंटों बीत गए और वह जंगल के बाहर नहीं निकल सका तो उल्लू से पूछ लिया कि अभी और कितनी दूर चलना है। उल्लू गधे को डांटते हुए बोला कि अभी तो चलना शुरू किया है, कुछ देर और चलो तभी निकल पाओगे यहाँ से। दोस्तों, वह गधा बिल्कुल इस बात से अनजान था कि यह धूर्त मौका परस्त उल्लू उसे मूर्ख समझकर अवसर का लाभ उठा रहा है। वह उल्लू कभी गधे से दाएं चलने को कहता तो कभी कहता कि बाएं चलो। गधा इसी प्रकार उल्लू के इशारे पर चलता रहा और उल्लू उसकी पीठ पर बैठा रहा, हर बात मानकर वह चलता रहा। एक बार फिर गधे ने उल्लू से पूछा, भाई अब गाँव कितनी दूर है? उल्लू फिर चीखते हुए बोला, मूर्ख कहीं का, धीरे धीरे चलता है और पूछता है, थोड़ा और तेज चल, अब यहाँ से कुछ ही दूर बचा है तेरा गांव। उल्लू की बात सुनकर गधे को थोड़ा सा धैर्य हुआ, गधा तेजी से चलने लगा। चलता रहा और वह धूर्त उल्लू उसकी पीठ पर बैठा हुआ उसे उसी जंगल में गोल गोल घुमाता रहा। चलते चलते जब सुबह का समय हो गया, अब उल्लू को दिखाई देना बंद हो गया था,
लेकिन चलते चलते गधा बहुत थक चुका था, दिन हो चुका था। वह लड़खड़ाकर एक खाई में गिर पड़ा। अब उल्लू और गधा दोनों खाई में गिर चुके थे। उल्लू ने कहा, मूर्ख कहीं के, तुम ठीक तरह से चल भी नहीं सकते, खाई में गिरा दिया। गधा कहने लगा, मूर्ख तो मैं उसी समय हो गया था जब तुमसे रास्ता पूछा था, और खाई में इसलिए गिरा क्योंकि जिसकी पीठ पर उल्लू सवार हो उसकी बुद्धि कहाँ से काम करेगी। तुमने मेरी सारी रात बर्बाद कर दी, पूरी रात मुझे जंगल में घुमाया लेकिन रास्ता नहीं मिला। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कब आपके ऊपर विपत्ति आए और वह मदद के बहाने आपको लूट लें। दोस्तों, धूर्त और स्वार्थी लोग जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तब वे ऐसे सुखी होते हैं मानो उन्हें दुनिया भर का राजपाट मिल गया हो, लेकिन उनके हृदय में कपट भरा होता है। ऊपर से मीठी मीठी बातें करके अपनत्व का बहाना करते हैं और इसके बाद वे अपना काम निकालते हैं। दोस्तों, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई श्री रामचरित मानस में लिखी है कि ऐसे अधम मनुज खल सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद बहु हुई है कलयुग माही। अर्थात ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, कलयुग में इनकी संख्या अधिक होगी। ये लोग लोभ से सदा घिरे रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है इन पांच प्रकार के लोगों से कभी रास्ता नहीं पूछना चाहिए। नंबर एक, जो इंसान लालची हो, ऐसा इंसान अपने लोभ के कारण आपको गलत जगह पहुंचा सकता है। नंबर दो, जो इंसान धूर्त और कपटी हो। नंबर तीन, जो इंसान मौका परस्त हो। नंबर चार, जो स्वयं चिंतित हो। नंबर पांच, जो नशे में हो। दोस्तों, इन पांच प्रकार के लोगों से कभी भी मार्ग नहीं पूछना चाहिए, ऐसे लोग आपकी मुसीबत को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी तो छोटी सी थी लेकिन आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन।